If you're watching this, I want you to smile and have a great day. And somebody out there loves you. कितनी बार ऐसी घटिया बेहुदा बातें कमेंट्स में और पोस्ट्स में सुनी हैं? स्पेशली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो तो बहुत ऐसे पोस्ट डालते ही रहते हैं. ये तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था इनफैक्ट, पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं डेली विच आई सी. एंड ऑनेस्टली मैं प्रेफर करूँगी कि कोई आके 10 बार जेन्यूनली कोई चीज़ के बारे में कंप्लेन करे रादर देन स्प्रेडिंग फेक पॉजिटिविटी. हेलो टू द इक्वालिस्ट एम्पायर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आई एम टायर्ड ऑफ दिस शिट, जहाँ फॉर सम रीजन मैं कैमरा के सामने बैठ के बात करती हूँ अबाउट समथिंग टॉपिक सब्जेक्ट समथिंग दैट आई एम टायर्ड ऑफ. एंड टुडे इट इज फेक पॉजिटिविटी. मैंने रिसेंटली लिली सिंह के इंस्टाग्राम पे एक नया स्टोरी पोस्ट देखा था अबाउट अ फिल्टर जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन गर्ल लव ने निकाला है. गर्ल लव इट्सेल्फ फॉर एवर दे आर डूइंग इट्स क्वाइट ग्रेट, बट द फिल्टर सी इट फॉर इटसेल्फ. Yo, check this out. Girl, love got a filter. What's my mantra for today? Hit me. I am plenty. You know, real talk, I needed this. I am plenty. Thank you. Help us spread some girl love. Use the filter. Tag your friend. Let's spread some love, y'all. I'm sitting in Lily's old room, so let's try it. You are worth it. It does feel nice. It feels nice to have this. I'm totally worth it. Try this, guys. Try this. Makes you feel good. देखो बाय इटसेल्फ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वे में प्रमोट हो रहा है दैट ओ आई एम वर्थ इट, आई रियली नीडेड दैट, और यू नो डू दिस, इट्स इट रियली हेल्प्स. लाइक अगर आपको ये सारी चीज़ें बोलने के लिए और समझने के लिए और रियली फील करने के लिए इंस्टाग्राम फिल्टर की ज़रूरत है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स माई फ्रेंड. एंड आई रियली डोंट थिंक दैट वो इसमें रियली बिलीव करते हैं, आई डोंट नो, बट द फैक्ट दैट दे आर प्रमोटिंग इट एंड दैट वे फेक पॉजिटिविटी और फेक मोटिवेशन, उसकी प्रॉब्लम ही यही है कि आप एज सच बोल नहीं सकते कि ये गलत है, बिकॉज सी इंटेंशंस बिहाइंड इट सीम टू बी गुड, बट ये एक बहुत ही सरफेस लेवल चीज़ है और बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ है. जो ये फेक पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं और उसमें बिलीव करते हैं, आई वुड रियली लाइक टू आस्क देम कि ये जो परमानेंट पॉजिटिविटी है, परमानेंट गुड वाइब्स ओनली है, इंटरनली आपको उससे कैसा फील होता है? क्या रियली दैट्स हाउ यू फील द होल टाइम? आई एम प्रीटी श्योर दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज मोस्ट पीपल जो ये चीज़ बोलना चाहते हैं अगेन एंड अगेन, दे आर द पीपल जो अपने प्रॉब्लम्स को सिर्फ छुपाना चाहते हैं या उन्हें रियलिटी में फेस नहीं करना चाहते हैं. एक और ये वियर्डली फेमस चीज़ है कि इफ़ यू हैव नथिंग नाइस टू से देन डोंट से एनीथिंग एट ऑल. वाई? क्या आप ऐसे लोगों के अराउंड ही रहना चाहते हो जो पूरा टाइम आपकी वाह वाही ही करते रहेंगे, या आप ऐसे लोगों के अराउंड रहना चाहते हो जो आपको सच बोलेंगे, ऑब्वियसली विद गुड इंटेंशंस? कोमल पांडे एक और क्रिएटर है हु मेड दिस IGTV वीडियो. आई जस्ट शेयर सम क्लिप्स ऑफ इट. इफ यू फ्रेम इट पोलाइटली एंड से समथिंग लाइक स्वीटी डू यू माइंड गेनिंग सम वेट, इट्स कॉल्ड एन अनसोलिसिटेड ओपिनियन एंड आई डिडंट आस्क फॉर इट, एंड ऑनेस्टली इट्स एज बैड एंड एज अनइनफॉर्म्ड एज दैट हेट कॉमेंट इफ यू कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. Similarly, if you say something like, you know what, I used to like your work earlier because you used to look so healthy, you've lost all your glow, you look so fake, we want the old Komal back, that's still not a nice thing to say, even if you're not hurling abuses in that comment. Third and final example, and my absolute favorite one, is when you ask me to not put so much makeup and say something like, you know what, you look so much better without all that cake on your face. And I know you did not abuse me in that comment, but guess what, it's personal and it's an unsolicited opinion and I don't need it. Unsolicited opinions, also known as unwanted, uninvited, are as bad. Nobody asked you for your opinion, so please keep them inside your pocket unless asked for. And also, just by the way, if you don't do that, then there's no difference between you and your paros wali auntie who pokes her nose unnecessarily into everybody's business. Telling your audience ki are hate comments mat dalo, cool, I understand that, but then going around and saying ki kuch bhi else, anything else at all with her examples is unsolicited and unwanted and apne paas rakho ye, so it's like you just want good comments and praises all the time, that's it. It's like I don't even want to explain it further.
फेक पॉजिटिविटी एक बहुत ही यूटोपियन व्यू देता है लाइफ को, जहाँ कोई सैडनेस नहीं है, जहाँ कोई सफरिंग नहीं है, जहाँ आप कभी खुद गलत नहीं हो सकते, जब रियलिटी में सैडनेस एंड सम अमाउंट ऑफ सफरिंग एंड क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर क्लैरिटी मैं यहाँ पैसेंजर के सॉन्ग लिरिक्स कोट करना चाहूँगी, ओनली नो यू बीन हाई व्हेन यू आर फीलिंग लो. क्योंकि अगर आप हर टाइम हैप्पी हैप्पी हाई हाई रहोगे, नॉट दैट काइंड ऑफ हाई, पर अगर आप पूरा टाइम हैप्पी हैप्पी हाई हाई रहोगे, इट्स लाइक इज इट पॉसिबल टू बी दैट वे द होल टाइम? एंड आपकी हैप्पीनेस की फिर बाय इटसेल्फ कोई वैल्यू है ही नहीं इफ़ यू आर लाइक दैट द होल टाइम. मूविंग अवे फ्रॉम दिस स्मॉल लिरिक्स एग्जाम्पल, आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि अगर आपको ये फेक पॉजिटिविटी क्या है इससे यू नो थोड़ा मूव अवे करना है, यू कैन एक्चुअली रीड दिस बुक कॉल मैन सर्च फॉर मीनिंग. उसके बारे में स्मॉल प्लग, मैंने एक छोटा सा रिव्यू भी लिखा है मेरे पेज पे, यू कैन चेक दैट आउट. एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू रीड दैट, बिकॉज आप कितनी भी बार दूसरों को और खुद को बोल दो कि हाँ सब पॉजिटिव ही रहेगा, सब अच्छा ही रहेगा, ऐसा ही रहना चाहिए, रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन इज नॉट गोना मेक इट ट्रू. Also, fake positivity and you know being positive in a bad situation are very different things. अगर आप कोई बुरी सिचुएशन में ज़रा भी पॉजिटिव नहीं हो अबाउट द फ्यूचर, तो यू विल हैव नो होप. बट माई पॉइंट इज दैट रियलिटी एंड एक्चुअल पॉजिटिविटी कैन गो हैंड इन हैंड. खुश रहने के लिए दूसरों से झूठ बोलना और स्पेशली खुद से झूठ बोलना ये ज़रूरी नहीं है. देर आर लॉट ऑफ अदर वेज अराउंड इट. एंड इन फैक्ट ये झूठ बोलना ना, इट्स वेरी वेरी हार्मफुल. एंड स्पेशली जब इन्फ्लुएंसर्स करते हैं ना ये चीज़ एंड दे ट्राई टू स्प्रेड दिस फेक पॉजिटिविटी, आई हेट दैट द मोस्ट. एंड सो आई एम टायर्ड ऑफ दिस शिट बीइंग फेक पॉजिटिविटी. एनीवे दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपका क्या आउटलुक है अबाउट पॉजिटिविटी एंड फेक पॉजिटिविटी एंड थिंग्स लाइक दैट? आपने कहाँ और ये सारी चीज़ें देखी हैं? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. क्या आपको ये सीरीज sort of thing पसंद आ रही है? And what would you like to see next? वो भी आप मुझे बताइए definitely. And to see more, please do like and please do follow. And bye bye. I'll see you in the next one.